विश्व प्रसिद्ध 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक महाकालेश्वर मंदिर में आने वाले समय में हो सकते हैं कई बड़े बदलाव। मुख्यमंत्री कमलनाथ ने मंदिर समिति के सदस्य तथा मंत्रियों के साथ एक बैठक में यह निर्णय लिया है। उज्जैन में भगवान महाकाल के दर्शन करने उज्जैन आने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए 300 करोड़ की योजना शुरू होगी। महाकाल मंदिर के विस्तार और व्यवस्थाओं में सुधार के लिए मंत्रिमंडल के सदस्य मंत्रियों की एक त्रिस्तरीय सदस्य समिति गठित होगी। इसके साथ ही महाकाल मंदिर के अधिनियम में संशोधन का प्रस्ताव भी कैबिनेट में लाया जाएगा। इसकी मॉनिटरिंग मुख्य सचिव करेंगे। करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था के केंद्र महाकाल मंदिर का सुनियोजित विकास किया जाएगा। प्रशासन चाहता है कि उज्जैन आने वाले श्रद्धालु सिर्फ दर्शन करने के लिए नहीं आए, बल्कि उज्जैन में ऐसी व्यवस्थाएं हों जिसके कारण वह एक दो दिन रुकें। इसमें महाकाल मंदिर से जुड़ी पौराणिक गाथाएं तथा अन्य आकर्षण शामिल हैं। उस मीटिंग का मेन उद्देश्य था कि मंदिर के चारों तरफ का विकास, स्मार्ट सिटी के माध्यम से मंदिर समिति के जो व्यवस्थाएं बनाई गई थी उनका उन्होंने अवलोकन किया। उसके पश्चात उन्होंने इस कार्य को गति देने के लिए मंदिर समिति के साथ में प्रशासनिक अधिकारी को निर्देश दिए हैं कि जितने भी कार्य हैं जो जनता से सीधे जुड़े हुए हैं उसे जल्दी से जल्दी किया जाए कि जिससे आगामी समय के अंदर दर्शनार्थी को अच्छी से अच्छी सुविधाएं प्रदान की जा सके। उज्जैन के कलेक्टर शशांक मिश्रा, मुख्यमंत्री ने समिति को निर्देशित किया कि अगले 3 दिन में यह बैठक होगी। उन्होंने महाकाल मंदिर एक्ट में संशोधन का प्रस्ताव भी इसी माह मंत्रिमंडल से अनुमोदित करवाने और 30 सितंबर तक महाकाल मंदिर के विकास की योजना को अंतिम रूप देकर काम शुरू करने के निर्देश दिए हैं। 300 करोड़ में इंटरनल डेवलपमेंट प्लान भी है हमारा, जिसमें न्यू फैसिलिटी सेंटर है, न्यू एंट्री एग्जिट है, साथ ही कुछ अंडरपास डेवलप करना है महाराजवाड़ा का, वो भी इंक्लूडेड है उसमें। उसके अलावा ये इंटरनल डेवलपमेंट प्लान है। एक्सटर्नल डेवलपमेंट प्लान में हम लोग फेज़ वन फेज़ टू में कर रहे हैं। फेज़ वन में हम जो कॉरिडोर है पूरा उसको डेवलप कर रहे हैं और साथ में कुछ वहाँ पर अभी जो हमारा एंट्रेंस है वो बिल्कुल भी ऐसा नहीं प्रतीत होता है कि हम एक इतने ऐसे मंदिर में प्रवेश करने जा रहे हैं जिसका इतना महत्व है। अब हम उसको ऐसा डेवलप कर रहे हैं कि लोगों को एक उसका फील आए, लोगों को महसूस हो कि हम एक ऐसे मंदिर में प्रवेश करने जा रहे हैं और पूरे रास्ते पे वो कॉरिडोर पे ऐसे इंस्क्रिप्शंस होंगे, ऐसे म्यूरल्स होंगे जो लोगों को एक अच्छा वातावरण दे। जी।